शादी वाली इससे पहले वाली फोटो क्यों लगा रहे हो उधर, बाद वाली लगाओ ना। अरे मेरे को टाइम नहीं मिला यार, मैं बाहर थी, आई वाज आउटसाइड ना। तो चलो कोई बात नहीं, मैं कर दूंगी, एडिट कर दूंगी, डोंट वरी। ओके सो वी आर लाइव और नॉट, जस्ट चेक दीप्तानी, दीप्तानु चेक इफ वी आर लाइव, दीप्तानी यस वी आर लाइव। या ओके सो लेट नाइट कॉन्वर्सेशन, सो गुड इवनिंग एवरीवन। सो दिस इज मोस्ट वेलकम टू फिजिकल अकेडमी। आई एम दिव्या अग्रवाल एंड आई एम विद माई स्टूडेंट दैट इज दीप्तानु एंड शेरल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कंग्रेचुलेट शेरल, शेरल को बहुत बहुत बधाइयाँ जैम को बहुत ही बखूबी रैंक से क्लियर करने का। रैंक क्या थी शेरल आपकी? थैंक यू मैम, मेरा रैंक 192। सो शेरल ने बहुत ही अच्छी रैंक को प्रोड्यूस किया, दैट इज 192। और शेरल के जैसे और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं हमारे जिन्होंने बहुत अच्छी रैंक्स क्लियर करी है, पर बच्चे अभी कंफ्यूज हैं। कंफ्यूज क्या है कि ठीक है, कुछ बच्चे हैं जिनकी 500 या 300 से ऊपर रैंक आई है, नीचे आई हैं, तो वो चाहते हैं इंटीग्रेटेड PhD या PhD करना। और कुछ बच्चे हैं जिनकी 500 प्लस रैंक्स हैं, तो वो उनमें से चाहते हैं कि उनका मतलब कौन सी IIT में या NIT में वो MSc करें या इंटीग्रेटेड PhD करें। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है शेरल से, वो आता है कि PhD और इंटीग्रेटेड PhD, मतलब जिन बच्चों को PhD करनी है तो इंटीग्रेटेड PhD बेटर है या PhD बेटर है। तो हम हमारा जो आज का कॉन्वर्सेशन रहेगा ये PhDs के ऊपर ही रहने वाला है। विद आर मास्टर दीप्तानु, ही इज़ फ्रॉम IIC बेंगलोर एंड ही इज़ परस्यूइंग इंटीग्रेटेड PhD एट प्रेजेंट। तो शेरल यू कैन आस्क योर क्वेश्चन एंड दीप्तानु कैन रिप्लाई एंड अदर जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइव, वो अपने अपने क्वेश्चन जिन्होंने भी IIT जैम को क्रैक किया है और कोई भी कन्फ्यूजन है PhDs और इंटीग्रेटेड PhD से लेके, वो ज़रूर से हमसे पूछ सकते हैं। यस शेरल प्लीज़ आस्क योर क्वेरी। हेलो भैया, आपने यस हेलो। इंटीग्रेटेड PhD में ज्वाइन किया है, तो व्हाई अ स्टूडेंट शुड प्रिफर इंटीग्रेटेड PhD? मतलब बाद में भी तो MSc कंप्लीट करने के बाद वो लोग PhD करते हैं ना, तो इसमें भी ऐसा रहता है क्या? 7 years टाइम पूरा लगता है क्या इंटीग्रेटेड PhD करने में भी? ऐसे 5 year में कंप्लीट हो जाता है क्या? और क्या बेनिफिट्स है इंटीग्रेटेड PhD करने के? सो पहले छोटा सा आंसर वो कि वो 7 years लगता है कि नहीं लगता है, ये डिपेंड करता है। अगर एक्सपेरिमेंटल लैब है तो 7 years तो लगेंगे, 2 + 5 years जो भी है, और थियोरेटिकल लैब है तो शायद 1 साल पहले हो जाए। तो ये छोटा सा सिंपल आंसर। वाई इंटीग्रेटेड PhD, वाई नॉट MSc फ्रॉम IITs या फिर मे बी ऑल्सो IISc, नाउ इट इज ऑफरिंग ऑल्सो। रिगार्डिंग दैट, लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर वेरी क्लियर ऑफ योर डिसीजन कि you want to do PhD afterwards also, or you have to do just MSc and go for job, or you are not yet decided whether you want to do PhD or not. So if you are decided from earlier only that you will do PhD anyhow, you will pursue higher education and do some good research, then go for integrated PhD. If you are getting ISc, it's better option because later on you don't have to clear what is that, GATE, NET, and again interview and then come to various places and clear everything and go for PhD, because at the time some things like competition is everywhere and at that time you have to clear all these things and साथ साथ वो मास्टर्स का भी काम करना है, उसका भी प्रोजेक्ट करना है, तो बहुत हेक्टिक हो जाता है। तो इसलिए अगर मिल रहा है तो ले लो, और अगर कंफ्यूजन है कि रिसर्च करना है कि नहीं करना, तो MSc बेटर है क्योंकि MSc में थोड़ा सा रिसर्च का झलक मिल जाएगा, तो तुमको पता चल जाएगा कि रिसर्च में कितना मेहनत लगता है। तो इसलिए बाद में भी तुम मतलब डिसाइड कर सकते हो, या फिर अच्छा ना लगे तो जॉब कर लेना, फिर अच्छा लगे और PhD करना भी है तो बाहर जाने का एक ऑप्शन भी रहता है, फॉरेन लाइक यूरोपियन कंट्रीज या फिर USA, सो दैट इज ऑल्सो गुड ऑप्शन। बट इफ यू आर अर्लियर ओनली फ्रॉम डिसाइडेड दैट यू वांट टू डू PhD, देन IIC इज द बेस्ट ऑप्शन इन इंडिया वेयर यू कैन डू लाइक गुड रिसर्च। या दैट्स इट। वन मोर डाउट आई एम हैविंग हियर कि आपने बोला कि यू डू नॉट क्लियर नेट और गेट आफ्टरवर्ड्स इफ यू आर एनरोल्ड इन इंटीग्रेटेड PhD वंस, राइट? But I have also heard that for integrated PhD, in order to get stipend, we must have cleared NET or GATE, like those scholarships, JRF, SRF. No, usually these kind of things I didn't heard, but this kind of thing doesn't occur because we get fellowship from the institute, not from the any GATE or CSR, that type. Like without stacking, still you are having scholarship, like you are getting it. Right now also. Yeah.
whatever now whatever we are getting from the institute only. So we don't have to like clear NAT or GATE. Doesn't matter actually for us. That is like everyone will be hard. That's quite amazing because I've heard that even after enrolling to PhD in integrated PhD, you have to clear NAT or GATE. No, that's not necessary because it should be tally. No, I don't think because see, if you are doing PhD from ISC and afterwards you go for postdoc to a good university, obviously from ISC you go to a postdoc if you want to do, and you will surely get a good university like Harvard or Stanford or Caltech or whatever. Then I don't think like people ask for whether you clear NAT or GATE to become a professor because you already had a high standard of research, and if you want to become a professor, then you don't have to like go for this one. I mean, prove themselves by clearing NAT or GATE. You have to show them the, what research you have done, right? So at that time, I don't think they will ask for this kind of stuff. They are next level universities anyway, so no one will ask them. Yeah. Meanwhile, I would like to add Deepthanu. So like Cheryl ko ye problem hai, to main ye kehna chahungi that it's good, jo bhi aapne usko bataya hai regarding, you know, PhD and integrated PhD. So according to you, PhDs from, like many of your friends and many of our students are in IITs also, they are pursuing PhD from there, hai na? Bahut sare bachche hamare PhD IITs se bhi kar rahe hain. To aapke according, like jo bhi aapki conversation hui hai, to aapko kya feedback mila hai dono mein, difference? जो पीएचडी आईआईटी से कर रहे हैं, डिफरेंस इन द सेंस लाइक आई थिंक फैसिलिटीज मे बी बिकॉज पीपल गेटिंग इन आईएससी, पीपल हु आर स्टडिंग इन आईएससी मे हैव बेटर लैब फैसिलिटीज, रिसर्च फैसिलिटीज, कॉन्फ्रेंस गोइंग आउटसाइड ऑफ इंडिया फॉर कॉन्फ्रेंस एंड ब्ला ब्ला थिंग्स, फंडिंग ऑल, बिकॉज एवरी प्रोफेसर हूएवर इज हियर gets good funding, and for running a lab you need good funding, so that is the thing. And if you are in ISC, then and if you have good CGPA, getting PMRF 70,000 per month, 80,000 per month, it's also becoming relatively easier rather than maybe IITs. Okay. Because ISC students obviously anyway they are very much intelligent, so maybe this kind of little bit of difference might be there. And for getting postdoc also, you might get better recommendation rather than IITs. Maybe IIT Bombay, IIT Kanpur, IIT Madras, these 2-3 IITs will can give better recommendation. But other IITs, I don't hope so, because some newer IITs are there, so there will obviously be some difference. Okay. बिकॉज बच्चों को जो प्रॉब्लम्स साथ साथ में आती है वो ये है कि जो भी आई टी जैम क्रैक करते हैं तो दे आर कन्फ्यूज्ड अबाउट डूइंग एमएससीज और पीएचडीज. लाइक कुछ स्टूडेंट्स मेरे खुद के जैसे आप लोग ही थे, तो यू वर कन्फ्यूज्ड अबाउट कि हम एमएससी ही करें या पीएचडी करें, और पीएचडी भी करें तो इंटीग्रेटेड बेटर है या इंडिविजुअल बेटर है. तो आपका जो एक्सपीरियंस आईएससी बेंगलोर का वो क्या कहता है, अगर हम पीएचडी कर रहे हैं तो उसमें से कौन सी बेटर है, इंटीग्रेटेड या नॉर्मल? और फिर हम सेकेंड क्वेश्चन को बाद में लेंगे, एमएससी वाले क्वेश्चन को. ओके, अगर पीएचडी करने जाते वही पहले से डिसाइडेड है तो अच्छा है, मतलब इंटीग्रेटेड पीएचडी ले लो. Because afterwards again that competition will be there. ऐसे टाइमिंग से हिसाब से कोई खास डिफरेंस है नहीं, क्योंकि 5 साल उधर भी लगने पीएचडी में और इधर भी मोर और लेस सेम ही लगना है. तो आई थिंक इंटीग्रेट पीएचडी विल बी बेटर अगर मतलब पहले से डिसाइडेड है, क्योंकि वो मास्टर्स के 2 साल में तुमको उतना हाई फीस भरनी नहीं है. कि आईसी में फीस मेस और हॉस्टल का फीस 6,000 पर मंथ, और साल भर का जो फीस है ट्यूशन फीस वगैरह वो समथिंग 14,000. So you don't have to pay that much of fees, and you are getting 16,000 per month. So you can run by your own, and you can support your family. But if you go, if you are going to IITs, then you have to give the hostel fees, tuition fees, everything, living, आने जाने का खर्चा ये सब. तो मान लो वो 4-5 lakh को चला जाएगा. तो you can save that 4-5 lakhs also. And if you are not financially that much sound, then obviously it's better for you to go for integrated PhD, where you can support yourself also. Okay. If you are decided to do really PhD, but okay. If you are not, then it's a problem. तो अगर किसी को PhD करना है तो preferentially वो ISC को prefer करें. More of first of all, एक तो research aptitude बहुत अच्छा है वहाँ पे, technology बहुत अच्छी है, सारे सारे instruments हैं, बहुत अच्छा exposure है आपको, और साथ ही साथ आपको काफी हद तक financial support भी मिल रहा है. This is what you want to do. This is the summary. Yes. Yes.
तो अगर हम पीएचडी की बात करेंगे फॉर द स्टूडेंट दोज हु आर लिटिल फाइनेंशियली वीक तो दे विल प्रेफर आईएससी रादर देन आईआईटी या श्योर या ओके एंड इफ लाइक मे बी वन स्टूडेंट कैन बी लाइक सिचुएशन लाइक विद दैट he is little bit confused whether to do phd or not mm-hmm. but he is financially poor also mm-hmm. so anyway consider he has taken isc mm-hmm. now what he can do after coming here if he is not like feeling more motivated to do phd then he can leave just the thing is that it might take 2.5 years or 3 years to get the ms degree they will not get msc degree okay. they will get ms research degree okay yeah they will have their own publication also so that is also beneficial so you can they can also leave so that's not like you once you entered you cannot leave you can leave anywhere mm-hmm. so I think it's better but if you are not decided then you can go for IITs know about more research then you can come whether you want to do PhD or not because 5 years you will yourself like anything you will have to go to lab from 9 to 9 mm-hmm. and sometimes maybe up to 12 o'clock at the night sometimes sleepless night also so it's will like hell lot of 5 years so you have to deal with that so it's very tough decision you have to make yes Cheryl what's your good second question ma'am I want to ask like whether Deepan is getting any stipend or scholarship like he's getting paid now yes One regularly you are getting paid per month you are getting one thing we know hindi I want ki hum thoda hindi mein baat kare zyada because hamara jo 60 to 70% students hai jo matlab baat karte hain wo generally they don't understand that much okay some of them are from south so we can repeat in english but more of we'll make it hindi okay. yeah actually I thought maybe some south indian students will be there लास्ट वर्किंग डे जो होता है 31st या 30 और मे बी मान लो 29th जो भी मतलब वर्किंग डे जो भी है उसमें आ जाता है सुबह सुबह 10-12 बजे के अंदर हमारे पास पैसा क्रेडिट हो जाएगा उसका कोई दिक्कत नहीं है तो आपको ये फर्स्ट ईयर से ही स्टार्टेड और अभी फर्स्ट सेमेस्टर से ही फर्स्ट महीने से अगस्त से अगस्त 2021 मतलब आपको देना नहीं आपको मिलेगा यस ऑब्वियसली एंड यू कैन मतलब अपने हिसाब से खर्चा करो जैसे मर्जी रहना रहे हो मतलब हम हमारे दोस्त ऐसे कहते हैं कि हमको 60,000 मिल रहा है और प्रोफेसर लोगों को समथिंग 4-5 लाख वो जो वो लाइफ जी रहे हैं उससे ज्यादा शायद हम ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं कई लोग उधर घूमने जा रहे हैं उधर घूमने जा रहे हैं कई लोग खाना खाने जा रहे हैं तो बस वही मतलब ऐसे ही है क्योंकि बाकी कुछ चीजें का परेशानी है नहीं 6,000 समथिंग देना है तो 16,000 से 6,000 कट कर लो तो 10,000 बचता है 10,000 अभी मतलब इट्स लाइक एनफ फॉर लीडिंग अ गुड लाइफ मुझे पता चला तुमने स्टिकर भी बनवा लिए मतलब खर्चा वर्चा भी हो रहा है हाँ रूम पे काफी खर्चा किया स्टिकर इधर भी है उधर भी है फिर बेलकोनी में मेरे पौधे भी है बहुत सारे फिर कुछ लाइट्स वगैरह भी लाया है अभी एक्वेरियम लाने का भी प्लान है बिल्कुल देखो पूरे मजे हो रहे हैं वहाँ आईसी में शहर देख लो कहाँ जाना है तुम्हें मैम अगर आईसी मिले तो इंटरव्यू फर्स्ट आई हैव टू क्लियर इंटरव्यू ना मैम उसके बाद में आईसी तो कौन सुनना चाहेगा फिर इतना सुन के तो या दैट इज ऑब्वियस मेरा क्वेश्चन है अगर इनकेस सब स्टूडेंट्स को इंटरव्यू नहीं हो पाता है तो उनके पास और बाकी आईआईटीज में भी इंटीग्रेटेड पीएचडी का ऑप्शन नहीं है
लकीली इसमें ही है, तो बाकी सब स्टूडेंट्स जिनको इंटरव्यू नहीं हो पाया तो वो लोग तो आईआईटी छोड़ के आईआईटी में ही जाएंगे, उनका तो ओनली एमएससी केमिस्ट्री ही रहेगा ना. हाँ. तो फिर एमएससी केमिस्ट्री में भी आईआईसी बैंगलोर में भी एमएससी केमिस्ट्री रहता है. हाँ, आईआईसी बैंगलोर में भी एमएससी कर सकते हैं. एंड मतलब मेरे को ऐसा रूमर्स जैसा सुनाई दे रहा है कि जो लोग एमएससी इधर से कर रहे हैं उनको अगर मान लो मतलब इच्छा हुआ कि आईएससी से हम पीएचडी कर लेते हैं तो नेगलेट क्लियर करने के बाद आईएससी में पीएचडी में एडमिशन लेना थोड़ा सा इजी हो जाएगा. बिकॉज एट दैट टाइम ड्यूरिंग योर मास्टर्स वन ईयर प्रोजेक्ट यू विल गेट टू नो अबाउट योर प्रोफेसर, राइट. सो उस टाइम शायद मतलब इंटरव्यू क्लियर करने में और लैब मिलने में थोड़ा सा आसानी हो जाएगा. मतलब मेरे को ऐसा सुनने में आ रहा है जो मेरे जूनियर्स बोल रहे हैं. तो आईएससी से एमएससी करके इधर ही पीएचडी करना मतलब पीएचडी में ले लेना थोड़ा सा इजी रहेगा शायद. बट रिगार्डिंग दैट आईएससी में पीएचडी मतलब एमएससी करने के लिए फीस थोड़ा सा ज्यादा है इफ यू पॉसिबल. आईएससी के सबसे उतना नहीं होना चाहिए, मेरे को इस टाइम बहुत ही गलत लगा है, उतना नहीं होना चाहिए था फीस. बट क्या करें, मोर ऑर लेस आईडी से थोड़ा सा ऊपर है तो लग रहा है. तो मैं बस मुझे मेरे रैंक के अकॉर्डिंग आई वाज एक्सपेक्टिंग आईआईटी बॉम्बे तो लाइक भगवान है, मुझे तो ठीक नहीं था. आई वाज गुड फॉर आईआईटी मद्रास एंड सेकंड ऑप्शन आई वाज हैविंग लाइक आईएससी. अगर इफ आई चूज कौन सा बेटर रहेगा या और कोई आईआईटी आपको तो नॉलेज है इस फील्ड में. हां, आई थिंक आईआईटी बॉम्बे इज बेस्ट. IIT Bombay's faculties are good for recommendation and they are very good actually. And research point of view, IIT Bombay is better, I think. आप the second option बताइए बॉम्बे तो. Second option कौन सा था, IIT Madras और उसके अलावा? आपके according क्या रहता है मतलब IIT Madras? मेरे according अब तो ये point to point depend करता है. किसी का ऐसा होता है कि घर के पास ही IIT ले ले अगर कुछ मिले, किसी को ऐसा नहीं कि इंडिया पे कहीं पे हो, but मेरे को मतलब वो कानपुर और मद्रास और कानपुर को स्विच भी कर सकते हो. देन आई विल गो फॉर आईआईटी रुड़की, देन खड़गपुर, देन after that I think IIT Bhubaneswar or something another one was there, I forgot the name, BHU. So this kind of things means in case वैसे तो बहुत कम chances है, if I'm not able to get IIT Bombay I should go for IIT Madras like that. Yeah, I can go for IIT Madras also. IIT Madras also good for research, but I think with respect to IIT Madras, Kanpur is good for chemistry, maybe. Because I heard that. I don't know reality, but people say that Kanpur, IIT Kanpur is अच्छा है मतलब research के लिए. काफी old भी है, so maybe IIT Kanpur is better. Actually, Sharal, it depends from person to person also. You know, IITs, you cannot say that every IIT is best, okay? And it, you cannot say that there is some जो better है या कम less better है. Problem ये है कि student to student वहाँ के professors के सबके सब में आप चाहे दीपानंद से पूछो, ऐसे बेंगलोर के बारे में या किसी भी institute के बारे में, कहीं ना कहीं पे एक या दो educators होंगे जिनके साथ आपका sync नहीं होगा और एक दो होंगे जिनके साथ आपको बहुत ज्यादा सिंक होगा. ये हर जगह होता है ना. तो आपको और एक बात मैं आपको रियलिटी और बिल्कुल कटु सत्य बताऊं तो ये है कि अगर आप एमएससी करते हो किसी भी आईआईटी से या आईएससी से तो उसका कुछ खास महत्व नहीं होता, ये रियलिटी भी है. मतलब हाँ, अगर हम बीटेक वालों की बात करें जो आईटी जेई के थ्रू जाते हैं उनके लिए मैं कहूंगी कि हाँ भाई 50, 40, 20 के बहुत बड़े बड़े पैकेजेस मिल जाते हैं, बट एमएससी वालों को नहीं मिलता है. बहुत ही रेयर मोस्ट बच्चे हैं जिनको मिलता है और वो भी कहाँ मिलता है, टीचिंग इंडस्ट्री में. ये बात आप ध्यान रखना. मतलब इफ यू आर गोइंग फॉर एमएससी फ्रॉम आईआईटीज और फ्रॉम आईएससी और फ्रॉम एनीवेयर, यू आर जस्ट गेटिंग अ टैग. तो इट इज फॉर टैग. तो कोई भी बच्चा जो आईटी जैम के लिए प्रिपेयर भी कर रहा है, हम उसको पहले से ही बताते आ रहे हैं कि वहां पे आपको टैग के लिए और उसके साथ में आपको एक अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन मिलेगी. तो उसके थ्रू ये मत सोचना कि हमारा बहुत बड़ा प्लेसमेंट होने वाला है या बहुत बड़ा कुछ होगा, ऐसा कुछ नहीं है. अदरवाइज बहुत
हाँ मतलब इफ यू हैव लाइक क्या बोल रहे कुछ कोडिंग वगैरह अच्छे से सीखो तो मतलब सॉफ्टवेयर कंपनीज में भी तुमको ले ले थोड़ा सा 3-4 लाख एक्स्ट्रा देके और लेंगी भी तो सो मच ऑफ मेहनत बिल्कुल और उसमें जो आपका बैकग्राउंड है वो साइंस है प्योर साइंस है ना उसका कोडिंग एक स्किल है ना जो भी चीजें अभी या तो आप फिर कोडिंग की में ही मास्टर्स कर रहे हैं वो डिफरेंट थिंग है बट अगर आप कोई स्किल सीख रहे हो तो आप कहीं से भी करके बेटर हो सकते हो है ना तो सिर्फ हमको बहुत सारे बच्चे आईटी के लिए इसलिए प्रिपेयर करते हैं कि उनको लगता है कि पता नहीं बहुत बड़े बड़े ख्वाब लोग दिखा देते हैं कि आईटी में जाके तुम्हें ये हो जाएगा वो हो जाएगा रियलिटी ये है कि नहीं भाई इतना भी कुछ नहीं हो रहा है बस आपको एक गुड क्वालिटी की एजुकेशन मिल रही है आपको गुड क्वालिटी के मेंटर्स मिल रहे हैं अच्छे वाली आपको रिसर्च की चीजें मिल रही हैं और साथ ही साथ प्लेसमेंट के चांसेस हैं कहाँ है अल्टीमेटली टीचिंग में ही या फिर आप रिसर्च वाइज जाते जैसे दीपकानु कर रहा है तो उसको स्टाइपेंड मिल रहा है तो इट्स बेनिफिशियल साथ में स्टाइपेंड तो ठीक है बट उसके साथ में क्योंकि उसको रिसर्च एप्टीट्यूड बढ़ता जा रहा है वो कुछ सीख रहा है ना तो इसलिए वो चीज़ फायदेमंद है बाकी जो स्टूडेंट आईआईटी से नहीं भी आईआईटी से नहीं भी अगर करेंगे ना मास्टर्स तो भी ऐसा नहीं है कि उनको कोई प्रॉब्लम होने वाली है सच नहीं होगी ठीक है बस उनका ये है कि मतलब अदर इंस्टीट्यूट से करें तो उनको थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करना होगा क्योंकि अगर हम इसमें बहुत ही डिटेल में जाके देखेंगे तो यहाँ के जितने भी टॉप मतलब मैं कहूंगी जो बहुत ही ज्यादा अमीर लोग हैं अमीर में जितने भी हो गए मतलब मैं नाम नहीं लूंगी है ना इंडिया के हों वो सारे उनके बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं इवन तो अगर अच्छे भी पढ़ने में ना दे आर नॉट इन इंडिया दे आर इन फॉरेंस व्हाई If IIT is the best institute or ISC Bangalore is the best institute, then why are they in Paris? Why are they in Africa, America, here and there? Why not in India? Why not in IIT? Can you find any student of India who is a जो best है जो मतलब बहुत ही अमीर इंसान का मतलब जो best इंसान है उसके बच्चे को तो वो वहाँ पर डालना चाहिए ना वो क्यों नहीं compete करता यार competition एक rat race है ठीक है तो हम prepare करा रहे हैं we are mentors to teach you to guide you the right thing. तो डोंट ओनली फोकस ऑन कि हाँ आपको ख्वाब दिखा के सिर्फ कोचिंग इंडस्ट्रीज के पॉकेट भरते हैं आई एम लिटरली टेलिंग यू द रियल ट्रुथ आपको ख्वाब दिखा के भरते हैं क्योंकि आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं अराउंड 66 to 67,000 स्टूडेंट्स हैं जो अपीयर होते हैं और उसमें से 1400 to 1500 सीट्स होती हैं हर सब्जेक्ट को मिला के तो बाकी बच्चे कहाँ गए यार वेर आर दे आर समवेयर डीमोटिवेटेड फ्रस्ट्रेटेड और स्ट्रेस्ड आप समझ रहे हो तो जैसे आप और आप में से बहुत सारे बच्चों ने क्लियर किया बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बात भी नहीं कर रहे हैं फोन नहीं उठा रहे हैं दे आर लाइक फीलिंग डिप्रेस्ड कि हमसे क्रैक नहीं हो पाया है तो ये भी एक बहुत बड़ा मैसेज है जो दीप्तानु आई थिंक यू कैन ऑल्सो रिलेट टू इट क्योंकि यस तो बहुत चीजें हैं लाइफ में तो इसलिए इतना ज्यादा दिल पे नहीं लेना सब मोह माया है अल्टीमेटली मैं यही कहूंगी है ना तो दीपानु आप कुछ ऐड करना चाहते हो तो यू कैन एंड शेरिल जो शेरिल पूछ रही थी कौन सा आईटी लेना है अगर उसके लिए मतलब चूज करना है तो ऐसे चूज करो कि मतलब तुम एमएससी में कौन सा प्रोजेक्ट करोगे पहले से थोड़ा सा सोच लो ऑर्गेनिक में करना है फिजिकल में इनऑर्गेनिक में फिर उसके हिसाब से उस आईआईटी के साइट में जाके फिजिकल ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक उनके प्रोफेसर के काम देखो मतलब कैसे टाइप ऑफ रिसर्च कर रहे हैं कैसे काम होते हैं वगैरह काम होते हैं इन द सेंस कौन से टाइप ऑफ पब्लिकेशन कर रहे हैं क्या क्या काम होते हैं उनका प्रोफाइल क्या है कि तुम ऐसे सोच के जा रहे हो कि आईआईटी कानपुर मान लो कि तुमको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बढ़िया आता है तुम सोच रहे हो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बढ़िया मतलब रिसर्च करोगे कुछ ऐसे टॉपिक पे तुम्हारे दिमाग में आया लेकिन उधर जाके पता चला कि ये तो टॉपिक पे किसी ने काम करता ही नहीं है तो कोई फायदा नहीं होना फिर क्योंकि तुम्हारा मनपसंद टॉपिक नहीं मिल रहा फिर तुम उधर उधर भटकते रहोगे कुछ एक आधा लैब मिल जाएगा लैब तो सबको मिल जाता है तो उससे पहले ही देख लो कि उस इंस्टीट्यूट में ऐसे टाइप ऑफ रिसर्च होते कि नहीं है अगर होते तो बढ़िया चले जाओ ठीक है आईटी कानपुर आईटी मद्रास नॉट मच ऑफ डिफरेंस बोथ आर वेरी गुड इन रिसर्च तो उस हिसाब से एक पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हो कि कौन सा चूज करें एग्जैक्टली ये आपने बहुत अच्छा बताया सिलेक्ट करने के लिए क्राइटेरिया हाँ ठीक है अभी टाइम है मतलब उसमें काउंसलिंग से पहले तो इतने दिन में तुम बैठ के आराम से सब कुछ देख सकते हो rather than like generally asking questions which IIT is better there will be several YouTube videos which IIT is better blah blah things but it depends where you want to go for a master's project if you want to do master's agar research karna hai to dekh lo ha research ke liye you know ICs hain ICERs hain IIT se better hote hain ye baat sabko pata hai
है ना, क्योंकि उसके आगे ही आईएसएम आइजर्स, वॉइस, हाँ आवाज नहीं आ रही है, हाँ अभी आ रही है, अभी आ रही है। मैं बोल रही हूँ जो आईआईटीज की अगर हम बात करते हैं, अगर हम रिसर्च के लिए बात करें तो आईएससीज एंड आइजर्स से बेटर नहीं है रिसर्च, है ना। तो बाकी yes. है आईआईटीज में, पर आईआईटी के थ्रू अगर आप आउट ऑफ इंडिया चले जाते हो, जैसे कि आप दीप्तन यू आर शेयरिंग समथिंग विद मी, इफ यू इफ इट्स गुड इफ यू शेयर इट विद एवरीवन अबाउट पीएचडीज फ्रॉम फॉरेन, फॉरेन फॉरेन में ऐसा है जैसे जर्मनी में, जो मतलब मैं सुनता हूँ जनरल लैब में सीनियर से, कि जर्मनी में 5 days काम होते हैं, जैसे मंडे टू फ्राइडे, एंड दे डू नॉट वर्क सैटरडे संडे। व्हेन यू आर डूइंग पीएचडी, तुमको ऐसा लगे कि तुमको रोज काम करना है, ऐसा मतलब एक प्रेशर भी रहेगा, तुम्हारा काम ही तुमको अलाउ करेगा कि तुम रोज जाओ, सुबह 9 से लेकर रात को 10-11 बजे तक। इंडिया में ऐसा ही है, कोई भी आईआईटी आईएससी कुछ भी चले जाओ ऐसा ही है। तो कभी कभी संडे भी जाना पड़ता है, पूरा रात भर कभी कभार करना भी पड़ता होगा। लेकिन आउट ऑफ इंडिया फॉरेन में, जैसे स्पेसिफिकली जर्मनी में ऐसा नहीं है, यूएसए में अलग है, यूएसए में एक्टिव होते हैं, जर्मनी में ऐसा नहीं है। वो क्वालिटी रिसर्च करते हैं, क्वालिटी टाइम लैब में स्पेंड करते हैं, जितने टाइम स्पेंड करते हैं उसमें क्वालिटी रिसर्च होते हैं, बाकी 2 दिन मजे से आराम से छुट्टी मनाते हैं, आराम से उनका माइंड भी रिफ्रेश हो जाता है, अच्छे आइडियाज भी आते हैं। और उनका लैब कल्चर ही ऐसा है कि सैटरडे संडे नहीं खुलते, मे बी सैटरडे खुलते होंगे हाफ डे के लिए, बट संडे तो टोटली क्लोज। हियर इन इंडिया, हियर इन आईसी, वी डू नॉट, मीन्स इवन वी डू नॉट enjoy on national holidays also, like Independence Day or whatever. We do work whatever day it is. तो ऐसा है, तो foreign में ये एक अच्छा फायदा है। दूसरा foreign में ऐसा है कि 3 साल में 4 साल में हो जाता है, generally European countries, not USA. US में 5 साल ही लगते हैं। फिर obviously financial assistance आपको अच्छा मिल जाएगा। बाहर जाओगे तुम्हारा personality, overall personality development बहुत ज्यादा होएगा। तुमको अभी English ढंग से नहीं आती, अगर उधर जाके इतना English सीख जाओगे कि तुम आके इधर बोलोगे तो लोगों को पता नहीं क्या ही लग जाएगा, इतना इंग्लिश सीख जाओगे, बहुत सारे लोगों को मिलने का मौका मिलेगा। और मतलब इतने हाई क्वालिटी वो इंस्टीट्यूट रहता है, लैब रहता है, तुम्हारा दिमाग इतना डेवलप हो जाएगा उस 3-4 साल में कि तुम यू विल बी वेरी गुड रिसर्चर। तो बाहर जाके ये सब फायदा होते हैं, तुम बाहर जाओगे उधर का एनवायरमेंट भी देखोगे, बहुत कुछ मतलब सीखने को मिलता है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हो जाती है जब बाहर जाओगे तुम। एक्सपीरियंस तो नहीं कह रहा ऑब्वियसली, but what I feel so, because I also came from Tripura, I now understand that if I had been in Tripura doing MSc or whatever there, this kind of developments what I feel that I have achieved may not be that much. तो ये उधर से इधर आके ये डिफरेंस पता चलता है। कुछ लोग बोलते हैं तू त्रिपुरा से, तेरा हिंदी इतनी अच्छी कैसे होगी? Obviously 3 साल पहले मतलब वो एलपीयू में बीएससी कर रहा था तो इतनी अच्छी हो गई, क्योंकि जनरली इधर जो बेंगोलीज है उनकी हिंदी थोड़ा सा डाउन रहता है, एक बेंगोली एक्सेंट में हिंदी बोलते हैं और कुछ कुछ वर्ड्स होते हैं जो उनको बोलनी आती भी नहीं है। तो लोग मेरे को कंसिडर करते हैं, आर यू बेंगोली और नॉट, हाउ कैन यू से हाउ कैन स्पीक हिंदी इतना फ्लुएंटली, कैसे बोल देते हो वगैरह वगैरह उनको। मतलब फर्स्ट मीट एक बंदा था मैथ्स में मिला था, तो वो मतलब ऐसे गैस कर रहे थे मेरी हिंदी सुन के कि तुम कहाँ से हो, वो बोल रहा था नॉर्थ साइड पे किसी से होगा, उसको पता ही नहीं चल रहा कि मैं त्रिपुरा से हूँ, यू आर शॉक आफ्टर नोइंग द आंसर। तो ऐसे बहुत कुछ डेवलपमेंट हो जाते हैं, इन दैट सेंस फॉरेन इज बेटर। एंड आफ्टर फॉरेन इफ यू कम फ्रॉम देयर पीएचडी एंड पोस्ट डॉक, यू विल श्योरली गेट इनटू आईआईटी एज अ गुड प्रोफेसर, दैट्स फॉर श्योर। सो जॉब सिक्योरिटी अच्छा है, बिल्कुल जॉब सिक्योरिटी भी अच्छा है, और साथ ही साथ आपके स्किल्स भी डेवलप होते हैं। आप जितना ज्यादा एक्सपोजर, अल्टीमेटली देखो आपको सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री या फिजिक्स या कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट को फोकस नहीं करना है, वो आपने कर लिया, आपने आईडी जैम क्रैक करना था या जो भी क्रैक करना था कर लिया, अब ठीक है सब्जेक्ट पे आपको फोकस करना है, बट उसके अलावा जो एक्स्ट्रा टाइम है उसमें आप किस चीज पे फोकस कर रहे हो और किन लोगों के बीच में हो। As you know, you are an average of 5 people you surround yourself with. ऐसे ही आप जिस भी जगह जाते हैं ना, आप देखिए आप वैसे आपकी पर्सनैलिटी वैसी बनती जाएगी। आप भले ही आप नटशेल में कैसे भी हों, आप जहाँ से भी निकल के आए हैं, आप जिस जगह पे पहुँच जाते हैं, इसकी जगह का मायना बहुत है ना। आप अल्टीमेटली किस जगह पे जा रहे हो और किन लोगों के बीच में हो, आपका माइंड सेट वैसे होने लगेगा। 5 business people के साथ जो आपका दिमाग बिजनेस, विद इन अ मंथ यू विल चेंज कि आपको क्या हो गया ये। तो इसलिए आपकी संगत बहुत डिपेंड करती है कि आप किन लोगों के साथ हो, है ना। तो आईएससीज, आईआईटीज या आप जितने भी हमारे फॉरेन्स हैं जहाँ पे हम स्टडी करने जा रहे हैं, वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत आपको एक तरह से मोल्ड कर देता है एक अलग इंसान में। यू विल बी लाइक दीप्तानी जो 1 साल पहले था, वो शायद आज नहीं है, ही चेंज्ड।
राइट इजंट इट लाइक चेंज इन अ फॉरवर्ड पॉजिटिव मैनर, अब ऐसा नहीं रहा चेंज नॉट टॉकिंग इन अ पॉजिटिव मैनर ही चेंज यस इम्प्रूव ना, कहीं ना कहीं भी इंक्रीमेंट आया है, काफी कुछ सीखा है. अब देखो पहले हम उसका इंटरव्यू इसलिए ले रहे थे कि तूने क्रैक किया कॉन्ग्रेचुलेशन, अब हम कह रहे हैं आईएससी का बताओ क्या है. अब ही इज एज अ बॉस ही इज लीडिंग यू राइट शेरिल, पहले हम लीड कर रहे थे अभी ही इज लीडिंग यू इजंट इट. तो इसलिए हर जगह आप जाएंगे तो आपको कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट ही हाँ. मिलेगा आपको डेप्थ मिलेगी हाँ, प्लस रिसर्च का भी बहुत ज्यादा अच्छा हो जाते हैं इधर. जैसे इंडिया में मतलब जैसे रिसर्च पे जब आपको पता चलेगा कि कुछ अच्छे जर्नल्स पे पब्लिश करने होते हैं तो भी अच्छा तुम्हारा नाम बनेगा काम बनेगा. तो जर्नल्स बाहर से अच्छे जर्नल्स पे पब्लिश करना काफी इजी हो जाता है रदर देन इंडिया, बिकॉज इंडिया से उतने अच्छे जर्नल्स में आते नहीं है. ऑल्दो वी आर डूइंग द सेम काइंड ऑफ मेहनत अदर्स ऑल्सो डू, लेकिन वो एक प्रोफेसर का जो होता है ना मतलब रिच प्रोफेसर का एक नाम होता है बाहर के प्रोफेसर के, तो उनका मतलब थोड़ा सा इजी हो जाता है अच्छे जर्नल्स को पब्लिश कराना. तो अच्छे जर्नल्स को पब्लिश करना तो तुम मतलब तुम लोग तुमको बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट देते हैं क्योंकि यू हैव डिड अ वेरी गुड रिसर्च, देन ओनली यू आर गेटिंग अ गुड क्वालिटी पेपर इन दैट बिग जर्नल. सो दैट इज ऑल्सो अ फैक्टर. ये बहुत इंपॉर्टेंट है शेरल, एक एक बात को बिल्कुल ध्यान से सुन लो. एक एक बात मतलब आपको ये एक तरह से जैसे वो कृष्ण वो कौन सी भूमि थी जहाँ पे कृष्ण को कृष्ण ने अर्जुन को बता रहा था ना कि बेटा ऐसा कर ऐसा कर, वो बता रहे तुमको कि देखो तुम्हारे पास मौका है क्या करना चाहते हो है ना, आपको सीधा मार्गदर्शन मिल जाएगा तो अल्टीमेटली आप डिसाइड कर पाओगे. मतलब मेन क्लैरिटी है ना यार, अगर हम हर जगह पे तीर मारेंगे तो हमें समझ में नहीं आएगा. तो इट्स बेटर कि कोई आपको मोनो डायरेक्शनली बता दे कि यार ये है, आपको दोनों बता दिया प्रोज एंड कॉन्स, अब आप देख लो क्या बेटर है, अब यू डिसाइड राइट. यस मैम वन मोर क्वेश्चन आई जैसे मैंने सुना है आईआईटी बॉम्बे के जो प्रोफेसर होते हैं वो डायरेक्टली रिकमेंड कर देते हैं स्टूडेंट्स को फॉरेन में पीएचडी करने के लिए किसी दूसरे पीएचडी गाइड के अंदर, वो बिल्कुल सही बात. तो आईआईटी ऐसे भी होता है क्या, यहाँ से भी लाइक प्रोफेसर डायरेक्ट रिकमेंड कर देते हैं क्या स्टूडेंट्स को बाहर पीएचडी करने के लिए? आईआईएससी में बोल रहे हो आप या आईआईटीज के लिए बोल रहे हो? आईआईटी बैंगलोर में भी ऐसे होता है क्या, लाइक एमएससी तो स्टूडेंट्स इज जॉइनिंग जस्ट फॉर एमएससी ओवर हियर, उसके बाद में उसको रिसर्च गाइड के थ्रू ही डायरेक्ट कोई फॉरेन यूनिवर्सिटी में पीएचडी करने के लिए मिलता है क्या ऐसे चांस? हाँ ऐसे होता है, पीएचडी बाहर पीएचडी ज्वाइन करना ऐसा नहीं है मतलब इंडिया के जैसा कोई क्वालिफाइंग एग्जाम देके ज्वाइन करना है. जनरली पोस्टों में तो ऐसे होता है कि प्रोफेसर रिकमेंड करते हैं, कुछ प्रोफेसर को मेल लिखते हैं, फिर वो प्रोफेसर तुमको इंटरव्यू लेते हैं, फिर इंटरव्यू के बाद आपको बताते हैं. पीएचडी में भी ऐसा ही होता है, प्रोफेसर रिकमेंडेशन देंगे कुछ प्रोफेसर मतलब उनके जानकारी में जो भी है उनको मतलब मेल करेंगे, तो इफ दैट प्रोफेसर इज इंटरेस्टेड सो ही विल टेक एन इंटरव्यू व्हाट द रिसर्च यू हैव डन व्हाट द नॉलेज यू हैव, क्योंकि जस्ट एमएससी क्वालिफाइड के बच्चों को उतना तो रिसर्च के बारे में नॉलेज होंगी नहीं, तो ऐसे टाइप भी मतलब इंटरव्यू जैसे होंगे उस इंटरव्यू के हिसाब से आपको लिया जाएगा और कितना स्कॉलरशिप देंगे वो सब कुछ मतलब वो बता देते हैं. सेम फॉर द पोस्ट डॉक आल्सो, तो इसीलिए मतलब जैसे की आईएससी मतलब क्यों बोलना, बिकॉज वो एक प्रोफेसर का रिकमेंडेशन मैटर करता है. एक प्रोफेसर जो मतलब हमारा प्रोफेसर जिसका भी है क्योंकि वो भी फॉरेन से कहीं ना कहीं से पोस्ट करके आए, तो उनका भी फॉरेन के टाइम पे पोस्ट करने के टाइम पे उनका प्रोफेसर के साथ रीच होगा, प्रोफेसर्स के भी मतलब प्रोफेसर्स का जो कलीग्स है उनके साथ भी थोड़ा सा रीच होगी क्योंकि जानेंगे तुमने रिसर्च किया है ना, प्लस लैबमेट्स जो थे उस टाइम पे उधर भी एक पता चलेगा कि ये लैबमेट्स है डिफरेंट कंट्रीज फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज. सो इट कैन ऑल्सो हैपन दैट माई प्रोफेसर इज रिकमेंडिंग मी to his lab mate when he was doing his PhD or postdoc, मतलब according to the काम जो भी है, तो ऐसा भी हो सकता है ना, तो उस recommendation से फर्क पड़ता है. अगर कोई बंदा मान लो जो मतलब किसी XYZ को recommendation लिख रहा है जो पहचानते नहीं है, मे बी दैट स्टूडेंट इज वेरी गुड बट ही मे नॉट रिकमेंड दैट, ही मे नॉट टेक दैट स्टूडेंट ऑल्सो, समटाइम्स दिस हैपेंस बिकॉज कंसिडर अगर कोई मेरा फ्रेंड बोल रहा है ना कि ये स्टूडेंट अच्छा है इसके साथ बात करके देखो तुम्हारे पास अगर पीएचडी का पोजीशन है तो ले सकते हो फिर पोस्ट डॉक,
then I will surely look into that. Because see, my friend is telling, na, so there will be something difference. So उस recommendation से बहुत फर्क पड़ता है. तो इसलिए वो आईएससी आईआईटी बड़े बड़े आईआईटी जो है उसका मतलब थोड़ा सा क्रेज लेते हैं लोगों की recommendation के लिए चाहिए. ओके शरण, क्लियर? एकदम या मैम, एकदम ओके. कोई और डाउट है आपका? अच्छा दीप्ता नु, आईसीएस के आपने हमको प्रोस सारे बता दिए, कुछ कॉन्स भी हैं जो आपको एज अ स्टूडेंट फील हो रहे हैं, तो कॉन्स भी बता दो, क्योंकि कॉन्स जानना बहुत ही जरूरी है. कॉन्स तो बताया, बीच-बीच में बताया पर्सपेक्टिव, जैसे कि जैसे अगर एक्सपेरिमेंटल लैब है तो काम बहुत मतलब एकदम गधे के जैसा मेहनत करना है. कि अभी आज मतलब इधर उगादी फेस्टिवल है, तो मैं किसी फ्रेंड के घर गया था, तो आते मतलब 6 बजे उधर से सीधा मतलब मेरे पास बाइक है, तो उधर से सीधा ड्राइव करके सीधा लैब पहुंच गया. उधर कॉलम वगैरह जो भी करना है करके आए. मतलब वो प्रेशर रहता है कि इस दिन में इतने काम कर लो, और अभी 31 मार्च से पहले हमको एक रिपोर्ट भी सबमिट करना है, तो एक प्रेशर तो ऑब्वियसली रहता है. तो इसलिए एक्सपेरिमेंटल लैब में ऑब्वियसली तुम्हारा प्रेशर रहेगा कि एक्सपेरिमेंट और ज्यादा करो, और ज्यादा रिजल्ट लाओ. क्योंकि हम जो किताब में पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल जाके न्यूक्लियोफाइल को कैच कर लिया, इधर कर लिया, ये कर लिया, साइक्लेशन हो गया, वो तो ऐसा ही है पेपर में, वो काम करते नहीं है लैब में, फिर फ्रस्ट्रेट हो जाओगे. तो इसलिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं इधर उधर चेंज करके. तो जो एक रिएक्शन देखते हैं, उस एक रिएक्शन करने के लिए ना जाने कितने सारे रिसर्चर्स ने हजारों रिएक्शंस कर दिया उस एक रिएक्शन को लाने के लिए. तो बहुत ज्यादा मैटर करते हैं, और स्पेसिफिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में. बाकी जो इनऑर्गेनिक फिजिकल, उनका जो एक्सपेरिमेंट है उनका एक्सपेरिमेंट थोड़ा सा अलग है, बट स्टिल मोर ऑर लेस सेम. जस्ट डिफर करता है थियोरेटिकल लैब के साथ, क्योंकि वो लोग थियोरेटिकल, जैसे अभी इधर मेरे रूम के बगल में ही एक फ्रेंड है, मेरा ही है एमआरसी डिपार्टमेंट में, तो उसका थियोरेटिकल लैब है, मतलब थियोरेटिकल प्लस एक्सपेरिमेंटल भी, बट थियोरेटिकल काम होते हैं उनके बहुत सारे, कोडिंग वोडिंग करना पड़ता है उनको काम करने के लिए. तो मोस्ट ऑफ द टाइम ही कैन डू वर्क फ्रॉम हिज रूम ओनली, फ्रॉम हिज लैपटॉप ओनली. सो ऑन संडेज ही डोंट हैव टू गो टू लैब, इधर ही बैठ के आराम से कर सकते कोडिंग वगैरह करना होता है. लेकिन हमको कुछ रिएक्शन सेट करना है तो हमको तो जाना ही पड़ेगा ना, रूम पे थोड़ी लगाएंगे, कॉलम करना है, रोटा करना है, तो सब कुछ उधर ही होता है. तो इसलिए उस काम का प्रेशर ज्यादा रहता है. तो ये एक कौन से है, मतलब काम तुमको बहुत ज्यादा करना पड़ेगा. ऑब्वियसली हर जगह पे ऐसा ही है, बट ऐसे में ऐसा ही है, कुछ ऐसे बचोगे नहीं काम से. मतलब अगर आपको बहुत ज्यादा कर्मठ हो, वर्कहोलिक हो, तो आईसी जरूर जाएं. पर अगर आप थोड़ा लेजी हो और आपको इतना ज्यादा, क्योंकि देखो मैंने ये खुद ऑब्जर्व किया कि कई स्टूडेंट्स होते हैं जो लैब के लिए नहीं होते, समझ रहे हो, मतलब जो स्पेसिफिकली लैब में अच्छा काम नहीं कर सकते, बिकॉज दे कैन नॉट कॉन्सेंट्रेट एंड दे डू नॉट हैव पेशेंस. क्योंकि स्टूडेंट काम करने के लिए लैब में आपको पेशेंस चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, प्रेशर के साथ, मतलब प्रेशर भी मिलेगा, डांट भी होगी, और फिर भी आप कंसिस्टेंटली उस काम को कर सको. बार बार खराब होगा फिर दोबारा, क्योंकि व्हेन आई वाज वर्किंग लाइक लैब्स में जब मैं काम करती थी, तो आई वाज लाइक मैं हजार बार भी कर लेती थी फिर भी आई डोंट गेट फ्रस्ट्रेटेड, आई वाज दैट मच पेशेंट कि हाँ पेशेंस है, कर लूंगी, खराब होगा कोई बात नहीं, अगेन एंड अगेन. बट मेरे जो फ्रेंड्स थे, कलीग्स थे साथ वाले, वो एक बार, दो बार, तीन बार के बाद दे डोंट डू इट. तो इसलिए स्टूडेंट टू स्टूडेंट भी डिपेंड करता है कि वो पीएचडी में उतना इंटरेस्ट दिखाता है कि नहीं, कि वो कितना काम कर सकता है ना. अच्छा काम करोगे, अच्छा कुछ रिजल्ट लाओगे, एंड एट द एंड ऑफ द डे यू डोंट हैव गुड रिजल्ट्स. फिर कुछ दिनों बाद मतलब ऐसा अगर चलता रहा प्रोफेसर से तुम रोज हर दूसरे तीसरे दिन में डांट खाओगे, कुछ ना कुछ गलती करोगे, या फिर कुछ भी, कभी कभी ऐसा होता है कि डिमोटिवेट है यार आज लैब जाने के लिए, फिर जाते भी तब भी लेट जाएंगे जो भी, तो प्रोफेसर उसके लिए भी डांटेंगे. तो दिक्कत तो है बहुत सारे, मतलब ये सब झेलना आना चाहिए. तो उस प्रेशर के साथ काम करना, एफिशिएंटली काम करना, एफिशिएंटली रिजल्ट आना, प्लस पीएचडी ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ भी कर लिया, उसके लिए आइडियाज भी लाना चाहिए जो कि यूनिक हो, किसी ने काम नहीं किया, दैट इज ओनली ना पीएचडी. तो उस आइडिया को रियलिटी में लाना, उस के बीच में, उस ट्रांजिशन में, मतलब जो होता है ना आइडियाज लाना, आइडिया तो आ जाते हैं बहुत सारे ऐसे फालतू के, वो काम नहीं करते बहुत सारे. जैसे मेरा अभी रिएक्शन, वो उससे पहले ना जाने 6-7 आइडियाज आए थे, वो काम ही नहीं किया. ऐसे तो पेपर में तो हम काम करा लेते हैं, होते नहीं होते तो हाँ, तो उधर तो काम होते नहीं है. तो दिक्कत वो है, जब काम कर जाएगा इतना सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलता है कि मजा आ जाता है जिंदगी में. तो अभी काम कर रहा है, अभी अच्छा लग रहा है, अभी ज्यादा
थोड़ा सा और ज्यादा मोटिवेटेड हूँ. तो ऐसा ही है कि उस प्रेशर को झेलना आना चाहिए. पहले एक दो साल बहुत ही प्रेशर रहेगा, फिर उसके बाद हैबिचुएटेड हो जाती है इन सब चीजों से, तब मतलब एकदम सिस्टमेटिकली स्मूथली चलता है. तो यही है कि प्रेशर रहता है, स्ट्रेस रहता है बच्चों के ऊपर बहुत सारे. और इधर ऐसा है कि पॉइंट्स देखा जाए तो मतलब यू हैव टू वेरी मच लाइक हैप्पी, बहुत जानबूझ के हैप्पी रहो, कैसे मर्जी रहो हैप्पी रहना चाहिए बस. अच्छा. नहीं तो जिंदगी में लग जाएंगे मतलब इतना स्ट्रेस होएंगे, इतना सब कुछ होएंगे, बिकॉज थियोरिटिकल लैब मान लो, एक्सपेरिमेंटल मान लो, कुछ ही मान लो, करना तो पीएचडी है, उसके लिए आइडियाज ही लाने, तो तुमको तो काम करने पड़ेगा जो भी करो. तो उसके लिए मतलब अच्छा खासा सोशल लाइफ भी होना चाहिए, कुछ अच्छे खासे दोस्त भी होना चाहिए जिनके साथ तुम खेलने जा सको, घूमने जा सको. हमारा अच्छा चल रहा है बिकॉज हमारे दोस्त सर्कल ऐसे कि कहीं पे भी मतलब हर सेमेस्टर के बाद घूमने चले जाते हैं इधर उधर, तो थोड़ा सा बैलेंस हो जाता है. तो ये सब होना चाहिए. अगर फ्रेंड सर्कल अच्छी नहीं है, तुम मतलब अकेले अकेले रहते हो, तो बहुत डिप्रेसिंग हो जाता है ये सब. तो ये मेंटेन करना आनी चाहिए, बस ये लाइफ इज स्ट्रेसफुल, यू टू डील विद इट. बाकी पोस्ट देखा जाए तो सब कुछ अच्छा ही, वेदर तो बैंगलोर का मौसम इतना सुहाना है भाई साहब, मजा आ जाता है. मैस का फूड बहुत अच्छा है, खाने का कोई दिक्कत इशू नहीं है. एक इशू है कि अगर ज्यादा ही घूमना है तुमको, बैंगलोर में इतना घूमने का जगह है नहीं, थोड़ा सा मतलब आउटस्कर्ट्स ऑफ बैंगलोर जाना पड़ता है, बट स्टिल फाइन. बैंगलोर में जितना का घूमने का क्या ही है, मतलब थोड़ा सा दोस्तों के साथ अगर तुम आधा घंटा गप्पे भी मार लो ना, वही तुम्हारा माइंड रिफ्रेशिंग हो जाएगा. कुछ इधर जिमखाना में कुछ खेल के आ गया, ये खेल के आ गया, माइंड रिफ्रेशिंग हो जाएगा. तो ये सब बनाना पड़ता है. जैसे सेमिनार्स भी होते रहते हैं वहाँ पे, जैसे मतलब स्टूडेंट मोटिवेशन या कोई ऐसे फिलोसॉफिकल जैसे होते हैं ना, डिफरेंट डिफरेंट लाइक मैंने काफी वीडियोस भी देखे, जैसे आचार्य प्रशांत है, तो उनके भी कॉन्सर्ट्स होते रहते हैं आपके यहाँ पर? नहीं, ऐसा ज्यादा कुछ नहीं होता है कि मतलब स्टूडेंट्स मोटिवेटेड रहे, ये रहे, क्योंकि दे ऑलरेडी मतलब ऐसे दे दिया हम लोगों को कि ये बच्चा मोटिवेटेड है तभी इधर आया है. अब अगर तुमको कुछ मेंटल प्रॉब्लम्स हो रही है, देन इन हेल्थ सेंटर, नॉट इन हेल्थ सेंटर मतलब आईसी में ही फ्री में साइकियाट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट वगैरह रहते हैं, जो उनके साथ तुम फ्रीली बात कर सको, मतलब ओपनली यू कैन डिस्कस एनीथिंग, वॉट एवर प्रॉब्लम इट इज. हफ्ते में एक दो दिन का मतलब वन या टू आवर्स का शेड्यूल रहता है, तुम उनके साथ जाके आराम से बात कर सकते हो, रोना है रो लो, कुछ भी करना है कर लो, मतलब अपना पूरा एकदम दोस्त बना के सब कुछ शेयर कर सकते हो जो किसी से भी तुम शेयर नहीं कर पाओगे. वो लोग अच्छे सजेशन देते हैं, अच्छे मतलब मेडिकेशंस भी देते हैं जो साइकियाट्रिस्ट होते हैं शायद, या फिर साइकोलॉजिस्ट जो भी बोलते हैं, तो उन सब के लिए भी ठीक है, अच्छा ही है. और जैसे इधर चल रहा है, आई डोंट थिंक मतलब है बहुत सारे बच्चे हैं जो मतलब साइकियाट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, बट अगर इफ यू आर मेक ए गुड बैलेंस बिटवीन सोशल लाइफ एंड लैब लाइफ, तो यू विल नॉट बी डिप्रेस्ड दैट मच. और लैब के लोग भी अच्छे होते हैं, उतना बुरा नहीं होता, मतलब दे हेल्प ईच अदर. मेरे लैब के लोग तो बहुत ही अच्छे हैं, दे हेल्प ईच अदर. वही मानो जिस दिन मतलब लैब में गए और हमने हंसे नहीं, किसी का मजाक नहीं उड़ाया, ऐसा तो हो ही नहीं सकता. लैब में पूरा दिन ही ऐसे चलते, सुबह से लेकर शाम तक, चाहे कितनी भी रात हो, तो लैब में सही रहता है. वही लैबमेट्स के ऊपर भी थोड़ा सा मतलब फर्क पड़ता है कि लैबमेट्स है कैसे. अच्छे लैब्स मिलेंगे तो अच्छे लैब्स मेट्स होंगे तो जिंदगी अच्छी हो जाएगी. बिल्कुल ऐसी. तो अभी आपका जो एक्सपीरियंस है वो 1 से 10 के स्केल पे क्या रेटिंग दोगे आप अपने एक्सपीरियंस को आईएससी बेंगलोर में? आईएससी बेंगलोर में अपने एक्सपीरियंस को 10 में से आई थिंक आई कैन गिव 8.5. 8.5 ओके. सो नाउ यू एक तो बड़ा वो ही शेड्यूल, काम का शेड्यूल जो बहुत ही हेक्टिक रहता है. देखो पीएचडी के लिए तो ये तो मतलब आपने चुना है ना कितना काम है. वो तो मैंने चुना है. हाँ स्टिल, बट वही दिल मांग रहा है थोड़ा सा यार आराम कर ले. जैसे आज थोड़ा सा उगादी था तो थोड़ा सा फ्रेंड के घर गया था, मतलब उसके घर में पूरा दिन ऐसे लेटे लेटे 2 मूवीज देखे मैंने. फिर जो ऑस्कर मिला वो एलिफेंट व्हिस्परर्स वो भी देखा, तो मतलब काफी रिलैक्सिंग लगा, काफी माइंड रिफ्रेश हो गया. तो ऐसे छोटे छोटे रिफ्रेशमेंट जरूरी होता है कभी कभार, तो इसलिए वही फ्रस्ट्रेशन हो जाते हैं हर किसी को, ऐसा है. मैम चलो बढ़िया है, और बहुत ही बढ़िया है. मतलब 8.5 तो मतलब वो जितने भी स्टूडेंट्स थे उनकी क्वेरीज थी सबकी ऑलमोस्ट क्लियर हो गई होगी, क्योंकि उसने मतलब प्रोस कॉन्स खाना वाना सब बता दिया आपको. यस शेयर. हां हां प्लीज पूछ लो कुछ और क्वेश्चंस. हां तो
तो दीप्ता ने भैया आपका फ्यूचर प्लान क्या रहेगा, लाइक आपको यहाँ पे प्लेसमेंट वगैरह आएगा या पीएचडी के बाद क्या करना चाहेंगे? जनरली पीपल हु आर डूइंग पीएचडी फ्रॉम आईएससी डोंट गो फॉर प्लेसमेंट्स डायरेक्टली फ्रॉम हियर, इधर से वो लोग बाहर चले जाते हैं, एक दो साल का बात है, पोस्ट डॉक करके आराम से इधर फैकल्टी की पोजीशन ले लेते हैं। तो जनरली ऐसे 90% बच्चे ऐसे ही करते हैं। मतलब अपना केमिस्ट्री का बोल रहा हूँ, केमिस्ट्री फिजिक्स में भी मैथ्स और बायोलॉजी, बाकी इंजीनियरिंग को छोड़ के, क्योंकि इंजीनियरिंग वालों को मिल जाता है जॉब इधर उधर, तो केमिस्ट्री वालों ऐसा नहीं, केमिस्ट्री वालों को नहीं मिलता, उनको भी आते हैं, वापस आते हैं किसी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, किसी इंडस्ट्री में ऐसे ऐसे, तो अच्छे पैकेजेस से आते हैं, मतलब मोर देन ए डिसेंट 12 लाख 15 लाख 20 लाख ऐसा तो हो जाते हैं। लेकिन आई डोंट थिंक आई विल गो फॉर प्लेसमेंट आफ्टर पीएचडी, मे बी एक साल ज़्यादा थोड़ा सा फॉरेन का भी मजा लेके पोस्ट डॉक करके फैकल्टी का ही या फिर मे बी फार्मास्यूटिकल कंपनीज में। तो फार्मास्यूटिकल कंपनीज के लिए कोई आपको वापस कुछ कंपटीशन तो आई थिंक देना रहेगा ना? कंपटीशन आई डोंट नो एक्चुअली फार्मास्यूटिकल कंपनीज किस बेस पे सिलेक्ट करते हैं, बट इफ आई व्हाट आई बिलीव कि अगर अच्छी जगह से पोस्ट डॉक हो मेरे पास देन मे बी डजंट मैटर, बस फार्मास्यूटिकल जो निकालते हैं आई डोंट नो वेदर दे मेंशन कि नेट क्लियर होना चाहिए कि नहीं, अगर ऐसा ना लिखते तो अच्छा है, अगर लिखते तो मैं पहले से आउट हूँ क्योंकि अभी तक किया नहीं नेट क्लियर, बट अगर वो रिसर्च देख के इंटरव्यू लेके सब कुछ वो करते हैं तो आई थिंक आई विल श्योरली क्वालिफाई, इतना तो कॉन्फिडेंस है। और else यहाँ पे आपने जहाँ पे इतना सब कुछ आया कि बैंगलोर से पीएचडी कराया फिर आप फॉरेन से पीएचडी करेंगे, तो आपको कोई अच्छा आईआईटी में प्रोफेसर बनने के लिए तो जाएगा ना? हाँ ऑब्वियसली, मतलब इधर से पीएचडी करके बाहर जाके तुम पोस्ट डॉक करके आओगे ऑब्वियसली यू कैन श्योरली अप्लाई इन एनी ऑफ द आईआईटीज इन इंडिया, दैट विल बी अ गुड ऑप्शन because it seems for in pharmaceutical companies they ask for gate rank, yeah I think it's compulsory या फिर faculty position, ये तो actually depend करता है because faculty position में रहोगे तो एक teaching का भी रहेगा plus तुम्हारा research output भी देना है, pharmaceutical companies में just you have to give research output, you don't have to teach lot of things, so ये तो अभी तो obviously decide हो नहीं सकती क्योंकि after PhD and postdoc only I can decide ना, दोनों मतलब अच्छा है, फाइनेंशियली भी अच्छा है और काम भी अच्छा है, दोनों ही सही है, सो वो तो बाद में डिसाइड होगा। ओके सो थैंक यू सो मच दीप्ता मॉय फॉर जॉइनिंग एंड गिविंग योर टाइम। कमेंट सेक्शन में कुछ सवाल आ रहे थे कि एनी सजेशन फॉर जियोलॉजी स्टूडेंट्स, जियोलॉजी के बारे में उतना पता नहीं है बट काम तो भैया देखो इधर ऐसा ही है, काम तो अगस्त ही करना है अगर पीएचडी में ज्वाइन कर रहे हो तो, सो ऐसा ही है, यू हैव टू टॉयल वेरी हार्ड देन ओनली यू गेट द पीएचडी, बिकॉज तुम्हारे नाम के आगे डॉक्टर लगेगा, सो दैट इज नॉट इजी थिंग दैट यू गेट, सो इसके लिए इतना मेहनत तो मांगता है। दीप्तमय एक और स्टूडेंट है दीप्तमय है ना, तो उसका एक क्वेरी है कि ही इज लाइक एक्चुअली डूइंग एमएससी फ्रॉम अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी, तो ही सेइंग दैट उसको पीएचडी इतना अच्छा तो नहीं मिलेगा जितना आईएससी में मिलता है, तो क्या उसको करना चाहिए? इतमो इज गेटिंग एडमिटेड टू एमएससी दिस ईयर, नो या दिस ईयर, नो हां दिस ईयर दीप्तमय, फॉर दिस आई विल से दैट आपकी अगर आपको पीएचडी में इंटरेस्ट है तो ही करना है ना, क्योंकि सीयूईटी में पीएचडी मतलब करना चाहते हो तो करना, मतलब है ना, करने में ऐसा कोई बुराई नहीं है, वहां पे भी होता है अच्छा है, हर जगह ही अच्छा है, बट द थिंग इज दैट इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड देन ओनली जॉइन फॉर पीएचडी, इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड देन यू कैन गो फॉर गेट, यस क्रैक गेट एंड सीएसआईआर नेट जेआरएफ एंड देन यू कैन गो फॉर द लाइक आईआईटीज और इन फॉरन और यू नो, इसमें ज्यादा बेटर रहेगा पीएचडी के लिए, तो मैं यही सजेस्ट करूंगी आपको बिकॉज अभी यू आर गोइंग, हाँ 5 साल तुमको बहुत मेहनत करना है, उस मेहनत के लिए तुमको अंदर से मोटिवेशन आना चाहिए, अब वो मोटिवेशन कब आएगा, जब तुम किसी समथिंग चीज पे मतलब इंटरेस्टेड हो ऑब्वियसली है ना,
अगर इंटरेस्ट ही नहीं है तो मोटिवेशन आएगा नहीं, फिर दो तीन चार साल बाद तुम छोड़ दोगे, फिर सोचोगे यार दो तीन साल चार साल बाद ऐसे टाइम बर्बाद हो गया। Exactly. मतलब बिकॉज so, आपको पीएचडी का मतलब है चार पांच साल डिवोट करने हैं, तो चार पांच साल एक हाँ. अगर रियली इंटरेस्टेड हो पीएचडी में तो करो, पर अगर रियली इंटरेस्टेड है तो मैं बेटर कहूंगी आईआईटी से या फिर आईएससी से या फिर फॉरेंसिक करना ज्यादा मतलब ज्यादा फ्रूटफुल रहता है। मैं बेटर तो नहीं कहूंगी क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो पीएचडीज करते हैं बाकी यूनिवर्सिटी से भी, बट फ्रूटफुल होना या ना होना, ऊपर से कंपटीशन इतना है ना, यूथ इतना है पूरे इंडिया में, यूथ ही यूथ है, इतना स्टूडेंट है इतना ज्यादा, पांच पांच छह साल अगर आप एक काम पे लगा रहे हैं उसके बाद अगर आपको यू नो जॉब्स के लिए भी रुकना पड़ रहा है इतना ज्यादा, तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है सर्वाइवल के लिए, है ना। और सबसे बढ़िया ये है गेट के थ्रू और जेआरएफ के थ्रू कि आपको एटलीस्ट स्टाइपेंड मिलेगा, क्योंकि आपके जो पांच साल सात साल जो आगे जाएंगे अगर आप नॉन स्टाइपेंड के साथ पीएचडी करते तो वो बहुत ज्यादा टॉक्सिक हो जाता है फैमिली के लिए भी, है ना। तो कौन पे करेगा आपको पांच साल, और आपके पास इतना टाइम भी नहीं होता है कि आप यू नो सेल्फ को फाइनेंस करके खुद की पढ़ाई पे भी पैसा लगाओ और घर को भी देखो, वेरी डिफिकल्ट ना। फैमिली कब तक आपको, पापा कब तक पैसे देंगे, नहीं लेने चाहिए मुझे लगता है, बच्चा ट्वेल्थ के बाद जाने के बाद खुद कुछ ऐसा करे कि फैमिली को कम से कम फाइनेंशियली ऐसा कर दे कि हमको उनसे वैसा नहीं लेना, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है। बाकी तो और रादर देन सपोर्टिंग फैमिली मतलब खुद पे अच्छा लगता है कि अपने खुद के पैसे से पढ़ रहा हूँ, किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना कि कहीं पे जाना है जो कुछ भी करना अपने पैसे कर रहा हूँ, सो वो एक खुद पे मतलब बहुत ही सेल्फ सेटिस्फेक्शन रहता है कि अपने पैसे से कर रहे हैं सब कुछ, सो यू डोंट हैव टू बी डिपेंडेंट ऑन अदर्स, इट्स रियली अ गुड थिंग, सो इसके लिए अच्छा है। और जो पूछ रहा था कि लाइक गुड हाई हैंड स्किल इन लैब, पीएचडी में एडमिशन के लिए इतना हाई स्किल लैब उतना नहीं चाहिए, एमएससी में कितना ही कर लोगे पांच छह महीने में, पीएचडी करने के बाद तुम्हारा स्किल अगर डेवलप नहीं होता तो दिक्कत है लैब में, क्योंकि अगर तुम एक्सपेरिमेंटल लैब चूज कर रहे हो तो तुम्हारा स्किल तो उधर ही होना चाहिए, है ना, क्योंकि लैब में जितना ज्यादा काम करोगे उतना डेवलप भी होगा तुम्हारा स्किल, तो उसके साथ साथ तुम्हारा आइडियाज भी डेवलप होंगे, थिंकिंग कैपेबिलिटी डेवलप होंगे, उसके साथ साथ अगर स्किल्स अच्छे नहीं हुए आफ्टर पीएचडी देन इट इज अ क्वेश्चन मार्क, एंड ऑब्वियसली हो ही जाता है इतना काम करोगे तो किसी बात हो ही जाएगा स्किल्स। ओके दीप्त मोय एंड एवरीवन, आई होप एवरीवन गॉट देयर क्वेरीज, ऑलमोस्ट सब कुछ ही कवर हो गया है, यस दीप्त कुछ छूटा तो नहीं, ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज कवर्ड फॉर आईएससीज एंड आईआईटीज, है ना, रिलेटेड टू रिसर्च एंड एमएससीज आल्सो। So furthermore, yes. if you have any query guys, what you can do is you can comment down, आप comment कर सकते हैं इस video के नीचे, तो दीप्तन्मोय है, दीप्तानु है, मैं हूँ और सर है यहाँ पे, वो आराम से आपके queries को you know लिख देंगे, आपको solve कर लेंगे, फिर भी you have doubt then we can again come live and we can solve your queries again. Yes? Yes. So thank you, Shaila. I will be happy to solve Junior's doubts. Yes. I like these sessions. So thank you so much. Thank you Dipta Moy, thank you Deeptanu and thank you Cheryl for joining and thank you so much. Thanks to you. Take care. Such a great. Yes, take care. Thank you Vyas, bye bye ma'am. Thank you.